ओरल प्लस माइनस करने में दिक्कत आती है, मौखिक जोड़ घटाना कैसे करें? ये अक्सर बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि वो लिख कर पेन और पेपर की सहायता से तो वो सॉल्व कर पाते हैं प्लस माइनस को, लेकिन जब उसी प्लस माइनस को माइंड में करने की बात आती है तो उन्हें बहुत ही समस्या होती है फ्रेंड्स, और हिसाब किताब में कभी कभी तो शर्मिंदा भी होना पड़ता है दूसरों के सामने। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा चैनल ऐसे ही लोगों के लिए समर्पित है जो हिसाब किताब में कमजोर हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा गणित नहीं सीखा है और वो तेज हिसाब किताब लगाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमारा चैनल समर्पित है दोस्तों उनकी सेवा में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि जोड़ घटाना माइंड यानी कि दिमाग में हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप करके देखिए, आप इसको फील करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 रुपए में 4 रुपए जोड़ना है तो इसमें आपको पेपर या पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूं 5 में 6 जोड़िए तो भी आपको कोई पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दिमाग में तुरंत भी 5 6 तुरंत ही आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 1 से 10 तक के बीच की या 1 से 20 तक के बीच की कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आप मौखिक जरूर कर सकते हैं। मौखिक जोड़ आपको आना चाहिए। अब देखिए इसका तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 5 में 6 जोड़ना है तो यहां पर देखिए कि ये 5 है और ये क्या है 6, तो 6 को हम तोड़ सकते हैं 5 + 1 में, 6 को हम तोड़ सकते हैं 5 + 1 में। अब यहां देखिए 5 + 5 = 10 और ये 1 = 11, तो इस तरह से 6 और 5 कितने हो गए 11। अगर फ्रेंड्स मैं आपसे कहूं कि 3 में 4 जोड़ने हैं तो आप फटाक से जोड़ लेते हैं, 3 में 4 जोड़ने हैं तो 3 और 4 = 7। बहुत से लोग तो उंगली पर भी जोड़ लेते हैं और बहुत से लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं जैसे 3 में 4 जोड़ना है। अब 3 में 4 जोड़ना है तो वो इसको ना इसी के रूप में तोड़ते हैं, मतलब 3 में 4 जोड़ना है तो 4 क्या होता है 3 + 1, तो 3 × 2 = 6 और 1 कितने हो गए 7। तो इस तरह से 3 और 4 = 7, जैसे मान लीजिए 5 में हमें 8 जोड़ने हैं, ठीक है। अब 5 में 8 जोड़ने हैं तो जो बड़ी वाली संख्या है उसको फ्रेंड्स ऊपर वाली संख्या और प्लस अन्य संख्या के पदों में आप तोड़ लीजिए, तो देखिए 8 को 5 और 3 कर सकते हैं। अब देखिए 5 × 2 = 10 और 10 और 3 = 13 रुपए हो गए। अब आइए फ्रेंड्स, 2-2 अंकों का लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए 13 में 14 आपको जोड़ना है, ठीक है। अब 13 में 14 जोड़ना है तो आपको अपने माइंड में क्या करना है, इसको तोड़ लेना है। कितना तोड़ लेना है, 10 + 3 = 13 होते हैं और यहाँ पर 10 और 4 = 14 होते हैं, तो ये देखिए 20 और 7 ये मिला के कितने हो गए 27, ठीक है। ये चीज का आपको प्रैक्टिस दिमाग में करना पड़ेगा, अपने से ही संख्याएं लेकर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 69 में आपको जोड़ना है 27 जोड़ना है, ठीक है। अब आपको फटाफट से जोड़ना है तो आप क्या काम करिए, कभी भी आपको मिलेगा फ्रेंड्स तो देखिए 2 संख्याएं मिलेंगी। कितनी संख्याएं मिलेंगी, 2 संख्याएं आपको मिलेंगी, तो आपको क्या करना है, दोनों में से जो छोटी संख्या हो फ्रेंड्स उसको आप ब्रेक कर लीजिए यानी कि तोड़ लीजिए, ठीक है। तो तोड़ कैसे लेंगे, देखिए 27 कैसे लिखा जाता है, 20 और 7, 27 कैसे बनेगा, 20 और 7 मिला देंगे तो 27 बनेगा। अब फ्रेंड्स जोड़िए इसको, देखिए इसको देखिए, माइंड में जोड़ना आसान है, देखिए माइंड में 69 बना हुआ है यानी कि 69 बना हुआ है। अब इसमें 20 जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो कैसे जोड़ेंगे, केवल 6 में 2 ही जोड़ना है, 6 × 2 = 8 और ये 9 का 9 उतार लेंगे। अब देखिए यहां पे चूंकि 20 तो थे नहीं, ये 7 और भी हैं, तो यहां पर जब हम 7 जोड़ेंगे तो 9 और 7 = 16 होते हैं, तो ये हो जाएंगे टोटल कितने 96, ठीक है। तो इस तरह से राउंड फिगर में आप बैठा सकते हैं। चलिए और कुछ हम संख्याएं ले रहे हैं, मान लीजिए 327 में हमें जोड़ना है 529, ये 2 संख्याएं हमारे पास हैं, तो जो भी 2 संख्या आपको मिले आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, इत्मीनान से छोटी वाली संख्या आप उसमें से ले लीजिए। अब देखिए इसको जब ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 + 20 + 7
इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमें जोड़ना है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या काम करिए, 529 तो है दिमाग में बना हुआ है, सबसे पहले तीन जोड़िए तो कितने हो जाएंगे, 829 हो जाएंगे। देखिए ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कितना जोड़ना है आपको, 20 जोड़ना है, तो आप 829 और 20 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 849 हो जाएंगे, ये भी हो गया। अब इसमें आपको 7 जोड़ना है, तो जब 7 आप जोड़ेंगे तो 7 जोड़ने पर 9 और 7 16, और यहां 49 में 7 आप अंगुलियों पर भी जोड़ सकते हैं, 49 के बाद 7 जोड़ना है तो 49 के बाद 50, एक इसमें से निकल के इसमें चले गए, ये हो गए 850, और फिर इसमें बचे 6, तो ये हो गए 6, तो इस तरह से 856 रुपए टोटल हो गए। तो फ्रेंड्स कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। चलिए एक और चार अंकों का देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें जोड़ना है 3476 में 5628, ये मान लीजिए आपको जोड़ना है, तो आप एक पहले माइंड में रख लीजिए क्या, 5628 आप माइंड में रख लीजिए। अब देखिए अब बारी बारी से आप जोड़िए, आपको बहुत आसान पड़ेगा। देखिए 5628 में आपको कितना जोड़ना है, 3476 यानी 3476, तो आप ऐसे जोड़िए 5000 और 3000 कितने हो गए, 8628। अब 8600 था तो 3 के बाद 4 था तो 4 के लिए 400, तो 6 कितने 10 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9028। इसके बाद अब कितना है, 76 है, तो अब देखिए 9028 में आपको 70 जोड़ने हैं तो ये हो जाएंगे 9098, और इसमें आपको फिर 6 जोड़ना है, तो जैसे ही आप 6 जोड़ेंगे ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9104 रुपए। 6 जोड़ना है तो बिल्कुल नहीं घबराना है, 6 में से 2 निकाल के पूरा करिए उसको, तो ये 100 पूरा हो गया, तो ये हो जाएगा 9100, अब उसमें 4 रुपए बच रहे हैं क्योंकि 6 में से हम लोग 2 तो पहले ही निकाल चुके थे, तो 9104 रुपए ये हमारे टोटल आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हम सभी सोचते हैं कि हमें फटाफट से तुरंत समय ना खर्च करना पड़े और फट से आ जाए। फ्रेंड्स देखिए कोई भी सफलता अगर है तो सफलता के लिए समय और प्रयास और लगन जरूरी है। अगर आपके अंदर समय प्रयास और लगन है तो फिर आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों के प्रभात पर आपको मिलती रहती हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके कमेंट पर आधारित वीडियोस, ऐसी ही हिसाब किताब वाली जरूरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इसके लिए अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।